देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से पहले आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया, इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। जो 8-8, 9-9 हज़ार करोड़ के जहाज में चलते हैं और गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, अरे सैकड़ों अपने मित्रों को अरबपति बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया, उसका यही संकल्प था उनका? शायद उनका संकल्प केवल एक है कि मित्र प्रथम, मेरे मित्र जो है वो सबसे पहले, बाकी देश बाढ़ में जाए। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलता हो और 80-20 के नाम पर वोट मांगता हो, शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगता हो, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश को प्रधानमंत्री मिला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तमाम अडानी अंबानी सब लग गए, चैनल खरीद डाले, जो चैनल इनके बारे में, राहुल जी के बारे में ठीक दिखाता था, मोदी जी के पास प्रश्न चिन्ह लगाता था, वो चैनल ईडी सीबीआई के नोटिस देकर खरीदवा दिया गया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीधा सीधा कि राहुल गांधी जी पहले भी सीरियस थे, आज भी सीरियस हैं, और अब देश उनको पूरी तरह से आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद देखने लगा। ठीक है, इस... आप देखिए किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर रही, वो हमेशा से रही। अगर किसानों का मुद्दा 3 कृषि कानून लाए तो उस समय पर वो मुद्दा था, वो 3 कृषि काले कानून जो थे वो वापस हुए तो वो मुद्दा समाप्त हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि समय के अनुसार मुद्दे बदलते हैं, राहुल गांधी जी के मुद्दे नहीं बदलते। मुद्दे मजा आया, मुद्दे तो बीजेपी सरकार देती ही है, जिस तरह से फेल एक सरकार चल रही है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, केके शर्मा, ओके, समझ गया। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने, ओके, देश नीति फेल है। केके शर्मा की बारी है, अब रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए, अब मुसलमान करते रह गए, ओके, अब रुकिए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मारक जी, मैं क्या बताऊं, इतना हास्यास्पद ये शुरू के आपके जो रहे कार्यक्रम, थोड़ा इको राइटिंग करा दीजिएगा, इससे और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। आपने राहुल गांधी के प्रमोशन के लिए ये कार्यक्रम बनाया और आपने सब कहा कि मैं तो राहुल गांधी का प्रमोशन कर रहा हूं। आप मुझे ठीक लग रहा है, आलोक जी को लगता है राहुल गांधी को डेंट करने के लिए मैंने डिबेट रखी है, आप कह रहे हैं मैंने राहुल के प्रमोशन के लिए डिबेट रखी है, अब ठीक है। केके शर्मा, यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं कहा कि मैं डिबेट लाया हूं, आपके शब्द है, मेरे थोड़ी ना शब्द है, ये तो आपके शब्द है। मैंने कहा राहुल गांधी को मुद्दा रखा है, उनके प्रमोशन की मेरी, मैंने ठेका थोड़े लिया राहुल गांधी के प्रमोशन। स्क्रू ढीला हो गया है, क्यों रहा है वो पूरा देश जानता है, तमाम पत्रकारों ने क्या किया है वो भी पूरा देश जानता है। मोदी जी ने कहा कि आलू डाली और सोना निकलेगा, स्टेटमेंट मोदी की थी, लेकिन वो स्टेटमेंट राहुल गांधी की चलाकर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाई। वो इस प्रकार की बचकाना बातें हैं, किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और किसी मीडिया के एंकर ने नहीं रोका, जब बीजेपी के प्रवक्ता झूठ और प्रोपेगेंडा चलाते थे टीवी पर खड़े होकर, तमाम चैनल्स पर मैंने देखा, किसी एंकर ने नहीं रोका। ठीक है, वो पैसा खर्च किया आरएसएस, पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई थी, आज तक उसी काम पे है कि गांधी फैमिली की छवि को किस तरह से खराब किया जाए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अडानी के ऊपर भी जो जो कहा वो सब सत्य है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि सत्य है ये, और तमाम कंपनियां भी मान रही हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे। 3 काले कृषि के कानून थे तब भी ये कहा गया था, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने तब भी ये कहा था कि ये बहुत अच्छे कानून है। नोटबंदी को भी हिंदुस्तान के मीडिया ने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास काला धन है, इसलिए वो डर के भाग रहे हैं, इसलिए नहीं बताना चाहते। अभी भी 4 बिल वापस हुए हैं वो जनता के दबाव में, जनता ने इनको आईना दिखाया है और जनता इनको आगे भी आईना दिखाएगी। आज मोदी जी के पास अगर इलेक्शन कमीशन ना हो, मीडिया ना हो, पैसा ना हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी, लॉ ना हो, तो मैं समझता हूं कि आलोक जी इनके पास बीच में ना बोल। आज की डिबेट के लिए आलोक जी रुकिए ना, आज की डिबेट का मुद्दा ही मैंने राहुल गांधी रखा है, और आप 4-5 मिनट बोले, उसमें से 30 सेकंड राहुल गांधी पर बोले और 4.5 मिनट आप मोदी पर बोले। अरे राहुल पर मान लीजिए मोदी, राहुल गांधी की छवि बदली है, मान लीजिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इतनी मेहनत की, आपको तो फुल टॉस दिया मैंने, आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राहुल गांधी बदले हैं, उनकी छवि बदली है, उनकी राजनीति बदली है। माने जी, आज भी माने जी, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही है? गांधी पे ही पूरा बोला है उनका, पूरा मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने कब कब बोली है और क्या क्या उन्होंने कहा है। मैं फुलटॉस को और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया ने एक लीडर के पीछे उसकी छवि खराब करने के लिए पूरी ताकत लगाई मोदी जी के इशारे पर। तमाम पहले भी वो सीरियस थे, आज भी सीरियस है, मैं ये कह रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि मीडिया का और झूठ की मशीनरी, झूठ के प्रोपेगेंडा का कितना बड़ा रोल रहा है। मैंने राहुल सही बात है देखा, तो उनकी अपनी बपौती समझते हैं देश को, काहे के लिए माफी मांगेंगे, वो कुछ भी कर ले, वो तो सांसा है, तानाशाह है। इस देश में इमरजेंसी लगा देना, सिखों का नरसंहार कर देना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सारा अध्यादेश फाड़ देना, ये सब गांधी खानदान के सब यशस्वी कार्य है सर। प्रश्न तो गेम बजाना पड़ेगा। रही बात आप यदि मोदी जी से कोई तुलना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक तो जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार का बेटा है, और दूसरा जो है सोने की चम्मच का दूध पी के विरासत की राजनीति करने वाला बेटा है। राहुल गांधी तो सोने की चम्मच से दूध पिए हैं, तो विरासत की राजनीति है। मोदी जी की राजनीति जमीन की है, गरीबी की राजनीति है। अबे ये 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 फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो उनमें कोई बराबरी नहीं हो सकती। एक जो है तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है,
और दूसरा जो है 20 साल से जो इसमें लॉन्च है वो बेचारा किसी तरह जो है विपक्ष की भूमिका में इस बार ला पाया अपनी पार्टी को, तो दोनों की कोई तुलना संभव है क्या भाई? अभी बात है, अब बात आती है कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो बलिदान दिया है, इनके यहाँ से तो चूजा नहीं मरी, इनके यहाँ तो आरएसएस वाले मुखबरी करते पकड़े गए थे। खैर उसका जिक्र क्या करना, जिस दिन गद्दारी की देश में 70 साल बाहर रखा, आज 70 साल के बाद इनको मौका मिला, तो ये मौका मिला तो उसके बाद भी फिर भी समाज को बांटने में, विद्वेष फैलाने में उसी काम पे लगे रहे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 2014 से पहले तो अब कंगना रनौत केके शर्मा का जवाब, उसके बाद तीन मेहमान और हैं मेरे पास, केके शर्मा। अब 2014 में जिसको इनको लगता हो जिस कांग्रेस प्रवक्ता के राजनीतिक दिवालियेपन पर कि इनके पास विषय नहीं होते तो किस तरह से बोलते हैं। अरे भाई झूठ की बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीपी नहीं बढ़ती, आप शांति से बात कर रहा हूँ। तुम लोग मांडवली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार, और अगर मारकाट ही करनी है तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ ना। मीडिया के साथ ही सुबह से शाम तक विश्वगुरु बनाते थे, तो पापा ने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते थे। तो मुझे लगता है कि आज जो पहले भी एजेंडा चलता था उसमें भी मीडिया सहयोग करता था। राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, आपने कहा अभी, आपने किस आधार पर कहा मुझे नहीं पता। अरे मैंने 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। भाग्य है देश का जो स्मृति ईरानी जी का अहंकार जनता ने तोड़ा, उसके बाद उनको समझ आई कि नहीं राहुल गांधी जी जो हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली जो है ठीक है। मोदी जी का जिस दिन अहंकार टूट जाएगा उस दिन मोदी जी को भी समझ आ जाएगी, समझ तो आ गई है। वैसे वो डरे डरे से रहे, आजकल संसद में भी बड़ा कंधे झुके हुए हैं और झुक कर चल रहे हैं वो। लेकिन देश की जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है और हिंदुस्तान का मीडिया मुद्दों से भटकाता है। आजकल ज्यादा नजरें भी किसी से नहीं मिला रहे हैं। मोदी जी की तो खैर बात ही क्या है, महुआ मित्रा जब बोलने लगी तो मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालात हैं देश के अंदर, उन हालात को अगर देखें तो आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम का गुब्बारा वो फूट चुका है जो मीडिया के साथियों ने बहुत भारी फुला रखा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, हलवा है हमारा। उनकी छवि बनाई थी पहले, उनकी छवि थी, मैंने ये कहा कि लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों को गंभीरता से लेने लगे हैं, उनके विरोधी भी लेने लगे हैं। मानक जी मैं फिर कहूंगा हिंदुस्तान के मीडिया का छवि बनाने में, उनकी छवि बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं कि हाँ जाति पर, आरक्षण पर हमने यू टर्न लिया है, पहले हमारी गलती थी, तो ये तो आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स राहुल की, कांग्रेस की बदली है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे साले, माफी तो कभी नहीं मांगी उन्होंने, नहीं मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजनीतिक दल अपनी सोच में माफी मांगी आलोक जी, फैक्ट है। नहीं, उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए हमें। अरे यही कहा था कि हमारी गलती है, हमने पहले ये में नहीं है। हमको पहले ये कोटा जो है, कोटा सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, कोटा पिछड़ों के लिए महिला आरक्षण बिल में मांगना चाहिए था। ये उन्होंने जली ना तेरी भी जली ना। मानक जी देखिए, आप शब्दों का चयन बड़े गंभीरता से करते हैं हमेशा, आज भी आपने बड़े गंभीरता से राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अच्छा, राफेल में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, राफेल की जांच करा लीजिए ना, जेपीसी से क्यों भाग गए। नोटबंदी में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही सत्य साबित हुआ। कोरोना के बारे में भी, जो जो महामारी के बारे में कहा, जब मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे इंडिया गेट पर, तब राहुल गांधी जी ने जो कहा कि महामारी है इसे जागिए, सचेत हो जाइए, नहीं माने क्योंकि मध्यप्रदेश की सरकार गिरानी थी। हो गई तसल्ली, मेरी इज्जत का फालूदा करवा के तसल्ली हो गई। समय के अनुसार बदलते हैं, आज से 10 साल पहले जो मुद्दा था वो आज कैसे हो सकता। अगर समय के अनुसार सामाजिक आर्थिक समीकरण बदलते हैं, विदेश नीति में अगर बांग्लादेश के मामले में सरकार बिल्कुल डफर साबित होती है, उनकी नाक के नीचे बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन ऑपरेशन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दे बदलेंगे। क्या बात है, गुड शॉट। के शर्मा, ओके, तो बताइए राहुल गांधी की छवि और पॉलिटिक्स, के शर्मा बदली है नहीं बदली, बोलिए। ठीक है तो आप मुद्दा ही बना लीजिए, चलिए यही मान लीजिए मानिक जी। और इतना लोडेड क्वेश्चन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ दिया कि राहुल गांधी की तारीख में आप जो है बोलिए, अब वो बेचारे आप ही ने गणना करके बताया कि 30 सेकंड आप राहुल जी पे बोले, 4.5 मिनट आप मोदी जी को कोस रहे हैं। तो भाई, अरे 1,000-2,000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। तो आप इतना लोडेड प्रश्न यदि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे कि राहुल गांधी के तारीख में 5 मिनट बोल दीजिए, वो बेचारे क्या बोल पाएंगे, 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे आलोक जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की शख्सियत क्या है। तो मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना पड़ेगा कि 5 मिनट की तारीफ नहीं कर पाए। आपने ये एनालिसिस कर दिया कि 30 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं पाए। हमदर्दी जता रहे हैं। आश्चर्य हुआ, अभी आलोक जी 2-3 बड़ी बड़ी बातें भी सुना रहे थे यहाँ पर कि वो भाग गए मोदी जी, यहाँ हो गए। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न, माफी कैसे मांगा आपने, वो लड़ गए आपसे कि साहब माफी तो मांगा नहीं।
वैसे गांधी खानदान ये तो सोच ही नहीं सकती कांग्रेस की गांधी खानदान के लोग कभी इस देश से माफी मांग सकते हैं। जवानी के जोश में इस तरह होश नहीं खोते, वरना बुढ़ापे में तुम जैसों के पोते नहीं होते। जितना चार बोल सकते हैं बोलते, जितना झूठ बोल सकते हैं बोलते। ठीक है, ये भी इनकी एक अपनी सोच है और वो प्रतिष्ठित भी हुआ है। मैं तो आपको उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट का, झूठ के लिए इनको माफी मांगनी पड़ी है और इसके लिए इनको सजा हुई थी जिस पर रोक लगी है दो साल की। कमीने, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है राहुल गांधी के कीर्तिमान है जो वो करे। अब एक बात मात्र कह दूं, जो उन्होंने कहा कि जो मोदी जी छोड़ के भाग गए, अरे साहब राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जो भाषण हुए सदन के अंदर, पूरी कांग्रेस पार्टी उठ के भाग गई। जिसको उनकी कर्म है पहले कंफ्यूज, एक बात कहते हैं कंफ्यूज इस तरह देश के अंदर, जिस तरह से अपने दादा पर दादा के एजेंडे पर आज जो है फिर पलट मार देश का प्रधानमंत्री की बात करें कपड़ों के। आलोक शर्मा बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया। Let me out with a bright smile on now. Put me in the car, so won't get lost now.